सम्मा वायामो, आठ अंगों का जो मार्ग है, आठांगिक मार्ग, उसमें जो चौथा स्टेप है, जो चौथी सीढ़ी है, चौथा लेवल है, वो है सम्मा वायामो। यानी कि जो व्यायाम है वो आपने सम्मा करना है, सही तरीके से करना है, सम्यक करना है। अब ये जो व्यायामो है वो क्या है? दरअसल व्यायामो का मतलब होता है संस्कृत भाषा में व्यायाम, यानी एक्सरसाइज, यानी कसरत, यानी कि मेहनत। यानी मेहनत, कसरत, व्यायामो, व्यायाम या एक्सरसाइज, ये आपने सम्मा करनी है, राइट करनी है, अच्छी करनी है, ठीक करनी है, बढ़िया करनी है। तो यहां दरअसल कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हैं, कौन सी कसरत करा रहे हैं, कौन सी मेहनत करने के लिए, तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध बता रहे हैं चौथे नंबर पे, जो कि आपको सुखी रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसके बिना आप सुखी नहीं रह सकते, आपके दुख नहीं जा सकते। क्योंकि जो आठ अंगों का मार्ग है वो दुनिया में आज भी उतना ही महत्व रखता है, उतना ही वैल्यू रखता है, उतना ही सर्टिफाइड है, जितना कि आज से 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध ने इसको खोजा और इसको लोगों को बताया। दो तरह के व्यायाम होते हैं, व्यायाम होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं। एक होती है शारीरिक, यानी बॉडी की, यानी काया की, शरीर की, और दूसरी होती है मानसिक, चैतसिक या मेंटल या माइंड की। तो यहां आपसे जो शरीर की, काया की या बॉडी की एक्सरसाइज है, दंड मारने के लिए या दंड पेलने के लिए नहीं कह रहे, ना ही आपको वेट उठाना है, ना ही आपको जिम में जाना है। दरअसल ये जो एक्सरसाइज करनी है, ये आपको करनी है मानसिक और माइंड की, और ये आपके शरीर के अंदर चलती है। तो मन की एक्सरसाइज कैसी होती है? क्योंकि मन की एक्सरसाइज को तो भगवान बुद्ध ने ही ईजाद किया, उन्होंने ही सबसे पहले बताया। और मन की एक्सरसाइज जो कर लेता है, फिर उसको शरीर की एक्सरसाइज करे ना करे कोई फर्क पड़ता नहीं है। शरीर की एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो आपको, मन की एक्सरसाइज अगर नहीं करोगे तो शरीर की एक्सरसाइज का, कसरत का लाभ उतना नहीं मिलेगा। मसल्स मोटी मोटी जरूर बन जाएंगी, मगर वो सब बेकार होंगी, जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। मगर यदि आप मानसिक और चैतसिक या माइंड की एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स आपकी होना हो, आपके शरीर में ताकत उतनी ही रहेगी। तो इसमें सबसे पहले जो वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी शरीर के अंदर जो खराबी है वो पैदा नहीं होने देनी है। यानी कि खराबी आपकी जो भी है वो पैदा नहीं होनी है। अकुशल कम, यानी जो अकुशल है या जो बुरा काम है या जो बैड थिंग है या जो बैड चीजें हैं आपके मन के अंदर, वो उत्पन्न ही नहीं होने देनी है, जनरेट ही नहीं होने देनी है, पैदा ही नहीं होने देनी है, बनने ही नहीं देनी है। यानी बनने से पहले ही वो खत्म कर देनी है। तो आपने जब पैदा ही नहीं होने देंगे तो बुराइयां आनी आपकी बंद हो जाएंगी, और जब बुराइयां आनी आपकी बंद हो जाएंगी तो आपके पाप कर्म होने बंद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? शराब पीने का मन किया, मन में ही मत आने दो कि शराब पीना है, तो शराब पियोगे नहीं। चोरी करने का मन किया तो मन में ही मत आने दो कि चोरी नहीं करनी है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखो। तो इसको बोलते हैं संयत रहना या सम्मत रहना या संयम में रह जाना, या एक तरह से पूरी जो पेशेंस है उसके साथ में रहना, या इसको कह सकते हैं सबर के साथ रहना। पाली के अंदर जो ये शब्द है वो है, असल शब्द जो है वो है संवर या संवुत। संवर या संवुत को संयत बोलते हैं, और एक शब्द आता है जो संवर से बनता है बाद में संयत। तो संवर है या संवुत है या संयम है या संयत है, या अगर अंग्रेजी में कहें तो रेस्ट्रेंट है, तो रेस्ट्रेंट हो। तो ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं, इसका मतलब है कि आपने हर समय बिल्कुल कंट्रोल में रहना है, संयत में रहना है। आपका बहुत ज्यादा किसी पाप कर्म करने का मन कर रहा है तो मन ही नहीं होने देना, आपको संयत में रखना है, नहीं करना है, हमें नहीं करना है, बात खत्म हो गई। इस तरह से आपको अकुशल कर्म को मन में उत्पन्न ही नहीं होने देना है, आने ही नहीं देना है। ये इसका पहला नियम है, पहला गुण है। दूसरा है कि जो आ चुके हैं उनका क्या करेंगे, यानी कि जो आपके शरीर में आ चुके हैं पाप कर्म, जो बुराइयां आ चुकी हैं, जो खराब चीजें आ चुकी हैं, उनका क्या करेंगे? तो दूसरा नियम कहता है रिमूवल, यानी कि पहाड़ करना है। प्रहाण बोलते हैं वैसे संस्कृत भाषा में, पहाड़ पाली के अंदर है, इसका मतलब रिमूवल करना है, निमल करना है, यानी जो मल है उसको हटाना है, धोना है। तो जितना पुराना पाप कर्म आ चुका है, जितनी गंदगी है, जो बैड थिंग है मन के अंदर है, उनको खत्म करना है, उनको
तो ये एक्सरसाइज करनी है, ये व्यायाम करना है कि एक तो आपने बुराइयों को आने ही नहीं देना है, और जो बुराइयां पहले से हैं उनको धोना है, उनको हटाना है, उनको धीरे धीरे क्षय करना है, खत्म करना है उनको। तो तीसरा क्या है? तीसरा है भावना। भावना या योगाभ्यास या योगा अभ्यास या चिंतन विकास या कल्टीवेशन ऑफ गुड डीड, यानी कि जो रिमेनिंग है, जो आपकी अच्छाइयां बच गई। अब आपने क्या किया? जो बुराइयां हैं वो आने नहीं दे रहे हैं, और जो अच्छाइयां हैं उनको आपने शरीर के अंदर आपने रोक लिया है, देख लिया है, और जितनी भी बुराइयां थी वो आपने हटा दी हैं। तो जो बची हैं वो अच्छी चीजें जो आपने रोकी हैं वो बची हुई हैं। अब आपके अच्छी पुण्य वाली चीजें बची हुई है, पाप वाली आपने रिमूव कर दी है और पाप को आना बंद कर दिया है। तो जो बचा है उसकी आपने अच्छी तरह से अब उसको बढ़ाना है, उसको कल्टीवेट करना है, उसको जो आपकी अच्छाइयां, जैसे आपकी अच्छाई है कि आप पुण्य का काम करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो वो बढ़ाना है। आपका काम है कि आप अपना जो कमाई करते हैं उसमें से किसी को दान देंगे, तो वो बढ़ाना है। आप चाहते हैं कि लोगों की मदद करें तो उनको पढ़ाना है, लिखाना है, ये आपको बढ़ाना है। आपको अच्छी अच्छी बातें लोगों को बतानी है, ये आपको बढ़ाना है। अच्छे काम करने हैं, ये आपको बढ़ाना है। तो ये चीज़ें आपको बढ़ानी है। तो इसको बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ गुड डीड्स, या भावना या योग अभ्यास। योग माने जोड़ना होता है, अभ्यास माने प्रैक्टिस, यानी अच्छी प्रैक्टिस को जोड़ना। और चौथा आता है अनुरक्षण, अनुरक्षण देखभाल, मेंटेनेंस या एडिशन। यानी कि आपने बुराइयों को आना का जो रास्ता था वो बंद कर दिया, कहता अब हम कोई बुराई नहीं आने देंगे, और जो बुराई थी आपने दूसरे स्टेप में वो निकाल दी, और जो अच्छाइयां बची थी वो आपने ग्रो करी, पैदा की, उनको बढ़ाना शुरू किया। तो अब चौथा स्टेप क्या है? चौथा एक्सरसाइज है, चौथी जो कसरत है वो ये है कि जो अच्छी चीज आपके मन में नहीं है, जैसे क्या अच्छी चीज नहीं है, आप जैसे जोर जोर से कड़वा बोलते हैं तो आपने कड़वा बोलना बंद कर दिया, तो मीठा बोलना नहीं है आपके खाते में तो मीठा बोलना शुरू कर दीजिए। किसी को रेस्पेक्ट से नहीं बोलते हैं तो रेस्पेक्ट से बोलना शुरू कर दीजिए। किसी का खाना ज़्यादा खा जाते हैं आप किसी के हिस्से का, तो खाना कम खा के उसको ज़्यादा हिस्सा देना शुरू कर दीजिए। किसी की मदद करना शुरू कर दीजिए अगर नहीं करते हैं। तो जो गुड डीड्स हैं, जो अच्छी चीज़ हैं, जो आपके माइंड में नहीं है, जो आपके बही खाते में नहीं है, उनको बढ़ाना है, उनको पैदा करना है, उनको अच्छी तरह से ग्रो करना है। ये चार काम की एक्सरसाइज आपने करनी है। पाप जो कर्म हैं वो सारे सारे बंद करने हैं, जो हैं वो ख़त्म करने हैं, जो अच्छे कर्म बचे हैं वो बड़े करने हैं, और जो अच्छे कर्म नहीं हैं वो आपने पैदा करने हैं, उनको कल्टीवेट करना है, उनकी खेती करनी है, उनको उपजाना है। ये है मन की एक्सरसाइज। इस तरह से आपने सम्मा व्यायामो या सम्यक व्यायाम या अच्छी तरह से जो एक्सरसाइज है वो आपने मन की करनी है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुँचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। धम्म सरणं गच्छामि।
गच्छाम। Sangam Sirunam